गाइस, इस बॉक्स के अंदर है अमेज़न की सबसे पॉपुलर वॉच। आप पूछोगे कितनी पॉपुलर? इतनी पॉपुलर कि ये घड़ी जो है वो 4.5 रेटेड है और उसको 32,000 लोगों ने रेटिंग दी है। कितने हजार? 32,000। एक हफ्ते में 1,000 लोग खरीदते हैं घड़ी। आप सोचो, अगर आप ये बोलोगे कि 10 में से एक आदमी भी रेटिंग देता है, मतलब केवल अमेज़न से 3.25 लाख लोग ही घड़ी ले चुके हैं। और हम बात कर रहे हैं गाइस कैसियो A158 विंटेज घड़ी की। हमने इस चैनल पे इस घड़ी के छोटे भाई को, सॉरी उल्टा हो गया, F91W और इसका बड़ा भाई विच इज फिर उल्टा हो गया A168, इन दोनों को रिव्यू किया हुआ है। आज रिव्यू होएगा मंझले भाई का। आज इसे अनबॉक्स करेंगे, रिव्यू करेंगे और ये देखेंगे क्या जो बीच का भाई है वो छोटे भाई और बड़े भाई से कहां स्टैंड करता है। बट घड़ी को अनबॉक्स करें उसके पहले कस्टमरी क्विक रिस्पॉन्स चेक। आज मैं पहना हूं मेरी कैसियो कैलकुलेटर वॉच, द OG स्मार्ट वॉच जो कि कचरा नहीं थी। आप पूछते हो तो मैं बता देता हूं। तो गाइस इस तरीके का आता है अमेज़न के एनवेलप में, इसको हम फाड़ेंगे, आपके सामने एक लाइव साक्षात देखा जाएगा क्या मिलता है पैकेजिंग के अंदर। ओके, ये है विंटेज सीरीज का बॉक्स। इस बॉक्स को तो हम बहुत बार देख चुके हैं। 4/2023, मतलब आप सोचो अभी अपन जून में बैठे हैं, 2 महीने पहले की मैन्युफैक्चरिंग है। इतनी पॉपुलर है कि बनती रहती है। 16.95 रुपए की मैंने कार्ड डिस्काउंट लगाया था। सो गाइस ये है इसका बॉक्स, चलिए इसको खोला जाए। टाइम टू रिवील लला। सो गाइस दिस इज इट, दिस इज द कैसियो A158W। इसको साइड रख देते हैं। और बॉक्स के अंदर क्या आता है? बॉक्स के अंदर आती है कुछ पुस्तकें। भैया हम इतने पुस्तकें पढ़ते नहीं है। सो गाइस दिस इज इट, दिस इज द कैसियो A158। और आप जैसा देख सकते हैं, अगर मैं आपको दिखाऊं लुक वाइज, दिस लुक्स एग्जैक्टली एक झलक में लाइक द A168। कुछ क्रिटिकल डिफरेंसेस है दोनों में जिसकी हम बात करेंगे, बट आप जनरल शेप देखोगे तो A168 और A158 का काफी सिमिलर है। इनफैक्ट अगर मैं इसको F91W से कंपेयर करके दिखाऊं आपको तो आप देखोगे शेप वाइज पूरी फैमिली एक शेप की है, बट F91W इज अ प्रॉपर रेजिन स्ट्रैप रेजिन केस। दिस इज अ मेटालिक फिनिश की है इस पे कोटिंग ऑन द A158 एंड A168 बोथ। बट चलिए रिव्यू में आगे बढ़े, उसके पहले टाइम टू क्विकली टेक अ लुक एट द स्पेसिफिकेशंस। अ केस डायमीटर ऑफ 33 mm, लग टू लग ऑफ 36 mm, वेयर सुपर कॉम्पैक्ट ऑन योर रिस्ट, लग विथ ऑफ एक्जैक्ट 18 mm, सो ऑल स्टैंडर्ड 18 mm स्ट्रैप्स विल फिट, एंड अ केस थिकनेस ऑफ ओनली 8.5 mm। दिस इज हाउ इट लुक्स अगेंस्ट द F91W, अ वेरी अनफेयर कंपैरिजन बट व्हाट द हेक, दिस इज हाउ इट लुक्स अगेंस्ट द कैसियो G-Shock GA 2100, आर मोस्ट फेमस द रेड AG Casio. This is how it looks against the Benya Rolex Oyster Perpetual Tiffany Blue Homage Dial Watch. And this is how it looks against our most recent acquisition, the HMT Himalaya. This watch, guys, is a piece of beauty. अब गाइज ये घड़ी का रिव्यू करने के लिए हमें F91 और A168 को साथ में रखना पड़ेगा, क्योंकि इनके बिना इसका रिव्यू अधूरा है। सो F91, A150, A168 क्या फर्क है, क्या सिमिलैरिटी? ओके, पहले A168 को साइड में रख। इन टर्म्स ऑफ की फंक्शनैलिटी अगर मैं आपको बात बताऊं, द फंक्शनैलिटी ऑफ A158 इज एग्जैक्टली सिमिलर टू द F91W, राइट? सो इफ आई टॉक अबाउट द फीचर्स व्हिच इज अलार्म, स्टॉपवॉच एंड टाइम सेटिंग, एंड इफ आई टॉक अबाउट द F91, दिस इज अलार्म, स्टॉपवॉच, टाइम सेटिंग एंड दैट्स अबाउट इट। And the most notorious and the most famous feature of both these two watches is the backlight, which is extremely horrible. इसका कुछ लोगों को charm लगता है, but this backlight is one reason why I absolutely hate the F91. But आप देखोगे अगर इस तरीके से कोने से एक छोटी सी light आती है, इतनी light है कि आपको समझ में भी नहीं आएगा, and इसमें आप देखोगे भी same light है. So functionality wise अगर मैं आपको बात बताऊँ, F91 1000 की है, 16.95 की है। इसके मॉड्यूल को लेके उसके ऊपर इन्हें मेटालिक की फिनिश दे दी है, ठीक है? तो ये रही बात इसकी फंक्शनैलिटी की। अब अगर आप लुक वाइज देखोगे, लुक वाइज दिस इज वेरी सिमिलर टू दी A168, क्योंकि दोनों मेटालिक फिनिश में आते हैं। फर्क क्या है? A168 गाइस इज हैंड्स डाउन द मोर सुपीरियर वॉच, क्योंकि आप उसकी फंक्शनैलिटी देखोगे, इट हैज अ अलार्म, इट हैज अ स्टॉपवॉच, इट हैज अ सेम टाइमर, ये तो सेम है, बट एक की फीचर जो इसको डिफरेंशिएट करता है वो है इसकी बैकलाइट, विच इज एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल। आप देख पा रहे हैं फुल बैकलाइट है, एंड दिस फीचर मेक्स दिस वॉच फार मोर वेरेबल एंड प्रैक्टिकल कंपेयर टू द F91 और द A158। ऑल्सो अगर मैं आपको इसकी बनावट की बात करूं तो इसमें ना स्ट्रैप्ड अलग है। बोथ आर 3-लिंक ब्रेसलेट्स, बट द फॉर्म फैक्टर ऑफ द ब्रेसलेट स्लाइटली डिफरेंट। आप देख सकते हो दिस इज स्लाइटली नैरोअर एज इट गोज टू द बकल, दिस इज स्लाइटली ब्रॉडर। ऑल्सो द इंडिविजुअल लिंक्स आर थोड़े छोटे हैं, इसमें बड़े लिंक्स आप देख रहे हो, बीच में बड़ा लिंक है, दो छोटे लिंक्स हैं,
तो ये एक ऑयस्टर ब्रेसलेट टाइप का आपको ना थोड़ा बहुत लुक दे रहे हैं। मैं ऑयस्टर ब्रेसलेट आपको दिखाता हूँ, जैसे ये मेरी बेनियर, आप देखोगे एकदम सिमिलर तो नहीं कह सकते, बट जो लुक देने की कोशिश की है वो ऑयस्टर ब्रेसलेट टाइप की है, जिसके साइड के दो लिंक्स छोटे हैं, बीच का लिंक बड़ा है। इसके अलावा लुक्स में ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, वेयर द सेम एज द अदर टू वॉचेस। इनफैक्ट लेट मी टेक अ रिस्ट शॉट एंड ट्राई टू शो यू। तो चलिए हम अपने ग्लव्स उतारते हैं। This is our Casio calculator. This is the A158. So guys, this is it. This is how the A158 looks. And आप जैसा देख सकते हैं, this wears exactly similar to the A160 or the F91W. तो guys, आप समझते हैं घड़ी इतनी popular क्यों है? क्योंकि number one, people in general are going towards a lot of 70s, 80s kind of things. अगर आप इस shoes में देखोगे, the retro Jordans are the one which are the most popular. Air Forces इतने popular हैं. क्योंकि इतना सब हो हल्ला हो गया ना, पीपल आर गोइंग बैक टू पहले क्या था, वो थोड़ा ट्रेंडी है, ट्रेंड में। दैट्स नंबर वन रीजन वाई घड़ी अमेज़न पे इतनी पॉपुलर क्यों है। नंबर टू, क्योंकि एक आपको एक बहुत ही क्लासी मेटालिक घड़ी का लुक देती है बहुत कम कॉस्ट में। तो अगर मैं कंपेयर करूँ F91W, टू बी वेरी फेयर, काफ़ी लोग को बहुत टॉयश और बच्चों वाली घड़ी लगती है, विच इज़ ओके, एकदम डिनाई नहीं करूँगा मैं। वी आर वॉच नर्ड्स, तो हमको थोड़ा ज़्यादा अटैचमेंट और ऑर्गेजम आ जाता है घड़ियों पे। एक नॉर्मल आदमी बोल सकता है कि यार ये कौन सी खिलौने वाली घड़ी है। ये सेम मॉड्यूल को इस तरीके से देके 1000 की 1500 में बेच के गए, पीपल फाइंड फार मोर वैल्यू। एंड इसी लुक को अगर आपको इधर जाना हो A168 में, तो यू गेट अ स्लाइटली मोर थिकर वॉच विथ मोर फंक्शनैलिटी एंड बेटर लाइटिंग, बट आपको इससे 1000 रुपये लगाने पड़ते हैं, राइट? सो वाई दिस वॉच इज वेरी पॉपुलर इज इट्स अ क्रॉस बिटवीन बोथ वॉचेज। A168 का लुक है, 2600 की घड़ी का लुक है और 1000 की घड़ी की फंक्शनैलिटी है, मिलके ये 1500 रुपये में एकदम बैंगर घड़ी है। तो गाइज, इफ एनी वन ऑफ यू वॉन्ट्स टू बिल्ड अ वॉच कलेक्शन, गाइज, दिस इज रिकमेंडेड, पुल द प्लग। 1500 रुपये एक बार ले लो, यू विल नॉट रिग्रेट इट। तो गाइज, दिस वॉज द अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू ऑफ द कैसियो A158, द मोस्ट पॉपुलर वॉच ऑन अमेज़न। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, नहीं अच्छी लगी कोई दिक्कत नहीं, दो बार डिसलाइक कर देना चैनल, सब्सक्राइब कर तब तक नहीं किया। बहुत वीडियोज आ चुकी, बहुत आने वाली है। एंड गाइज, दिस वॉच इज अ जीता जागता प्रूफ ऑफ द फैक्ट दैट यू डोंट नीड टू स्पेंड थाउजेंड्स एंड लाख रुपीज टू बिल्ड योर क्लासिक वॉच कलेक्शन। 1000, 2000, 3000 में एक से घड़ी आती है टाइमिंग कैसियो HMT की। दिस इज अ प्रूफ, बाय दिस वॉच, बिल्ड योर वॉच कलेक्शन, अपना वॉच कलेक्शन स्टार्ट कीजिए, अच्छी वॉचेज में इन्वेस्ट कीजिए, क्लासिक टाइमलेस पीसेज में इन्वेस्ट कीजिए, डोंट बाय जारिंग स्टफ, लेकिन स्मार्ट वॉच है, कचरों से दूर रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, टिल द नेक्स्ट टाइम, स्टे सेफ।